आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीनेट की शक्तियाँ। सीनेट की शक्तियों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। सीनेट की जो कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ हैं उसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सीनेट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। सीनेट को न केवल व्यवस्थापन बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा की तुलना में निश्चित रूप से बहुत ही बढ़कर है। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी जो प्रथम शक्ति है वो नियुक्तियों के पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियाँ तभी वैध होती है जबकि सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्ति कर सकता है। पहले प्रकार की वह नियुक्तियां हैं जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती हैं, जैसे राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च सैनिक अधिकारी आदि। दूसरी प्रकार की नियुक्तियां उन संघीय अधिकारियों की होती है जो किसी राज्य में की जाती है, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्ट मास्टरों के कुछ वर्ग, जिला न्यायाधीश तथा मार्शल इत्यादि। पहली प्रकार की नियुक्तियां सामान्यतः सीनेट के द्वारा इस आशा के साथ स्वीकार कर ली जाती है कि राष्ट्रपति दूसरी श्रेणी की नियुक्तियों में उससे परामर्श करें। वर्तमान समय में अमेरिका में सीनेटीयशिष्टता का नियम प्रचलित है, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियां करे उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श ले। यदि वरिष्ठ सीनेटर अपने दल से संबंधित नहीं है तो उसके द्वारा कनिष्ठ सीनेटर से परामर्श किया जाता है। यदि दोनों ही सीनेटर राष्ट्रपति के दल से संबंधित नहीं है तो वह सीनेटरों से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटरों से परामर्श ले लेता है चाहे वह विरोधी दल के ही हो, जिससे सीनेट में उन्हें नियुक्तियों का विरोध न हो। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की दूसरी अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण शक्ति संधियों के विषय में है। संधियों के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं समझी जाएगी जब तक कि सीनेट उन्हें दो तिहाई बहुमत से स्वीकार न कर ले। सीनेट की ये शक्ति महत्वपूर्ण है और सीनेट अपनी इस शक्ति के आधार पर वैदेशिक संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति की भागीदारी बन गई है। सीनेट अपनी शक्ति के संबंध में सदैव ही सचेत रहता है और अवसर पड़ने पर कुछ संधियों को उसने अस्वीकार भी किया। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति युद्ध से संबंधित घोषणा से है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जाती है। सीनेट अपने दो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग तो अकेले ही कर सकती है, परंतु इस तीसरी शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जाता है। सीनेट की अन्वेषण की शक्ति। सीनेट को एक महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण या जांच करने के संबंध में प्राप्त है। संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की और सीनेट के इस अन्वेषण को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को प्रकाश में लाने का यही एकमात्र साधन है। सीनेट द्वारा किए गए अन्वेषण से राष्ट्रपति हाडिगज के काल में तेल षड्यंत्र प्रकाश में आया, जिसके परिणाम स्वरूप तीन मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा। न्यायिक शक्तियां। सीनेट को न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है, जिसमें सबसे प्रमुख महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते समय
न्यायिक प्रक्रिया के सभी क्षेत्र जैसे आदेश जारी करना, गवाह को बुलाना और उन्हें शपथ दिलाना आदि करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्ध के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अभी तक सीनेट के द्वारा कुल 12 बार महाभियोग प्रस्ताव की जांच की गई, इनमें से 4 बार महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया। अन्य शक्तियां, सीनेट को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणामों की घोषणा करती है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी अन्य उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उसकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों पर निर्णय का अधिकार भी प्राप्त है। सीनेट की इन शक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है। यदि विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन से इसकी तुलना की जाए तो इसे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है। सीनेट की कानून निर्माण की शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, अन्वेक्षण की शक्ति, न्यायिक शक्तियां और अन्य शक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सीनेट है वो विश्व के जितने भी द्वितीय सदन है उनमें से शक्तिशाली है। सीनेट की जो शक्तियां उनकी किन आधारों पर आलोचना की जाती है? सीनेट की आलोचना, सीनेट विश्व की अन्य व्यवस्थापिका की अपेक्षा बहुत अधिक समय नष्ट करती है। इस संबंध में सीनेट में अपनाए गए फिलिबिस्टर का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। सीनेट की कार्यवाही का एक अन्य आधार लॉन्ग रोलिंग पद्धति है जो पारस्परिक सहयोग का एक भ्रष्ट साधन है। नियुक्ति के संबंध में स्थापित सीनेट के प्रति शिष्टाचार की व्यवस्था अत्यधिक दूषित और भ्रष्ट राजनीति की जनक है। इस व्यवस्था के आधार पर सीनेटर अपने ही राजनीतिक स्वार्थों को दृष्टि में रखते हुए अपने राजनीतिक समर्थकों और मित्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करवा देते हैं और गुण तथा योग्यता की उपेक्षा होती है। सीनेट जो कि प्रशासन के प्रति या प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। सीनेट की अन्वेषण संबंधी समितियों की कार्यवाही राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती है और इससे राष्ट्रीय हित की अपेक्षा की जा सकती है। सीनेट का संगठन अप्रजातंत्र है। अमेरिका संघ की इकाइयों में जनसंख्या की दृष्टि से बहुत भेद है, किंतु सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सीनेट सदस्यों का बहुमत अमेरिका संघ की जनसंख्या के 5वें में से कम हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट के सदस्य समाज के अत्यधिक कुलीन वर्ग में से आते हैं और उनके द्वारा जनसाधारण के हितों की उपेक्षा की जाती है। अनेक बार सीनेट सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट साधनों और धन का प्रयोग किया जाने की बात भी की जाती है और यह निर्मूल नहीं। सीनेट की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसके द्वारा सीनेटर के वशीभूत होकर राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करते हैं और राष्ट्रपति को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। कभी कभी राष्ट्रीय संकट की स्थिति में भी सीनेट की ये प्रवृत्ति बनी रहती है और इससे राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचती है। सीनेट की इतनी सारी आलोचना या कमियां होते हुए भी हम कह सकते हैं कि सीनेट आज जो है विश्व के जितने भी द्वितीय सदन हैं उनमें सबसे शक्तिशाली है, तो उसके पीछे क्या कारण है, सीनेट का महत्व या उसकी महत्ता के कारण। पहला हम देखते हैं कि सीनेट विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संस्थाओं में से एक है। पहला है संविधान निर्माता द्वारा सीनेट को पदत महत्वपूर्ण स्थान। संविधान की भाषा से यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माता स्वयं सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना चाहते थे। सीनेट की विशेष शक्तियां, विश्व की किसी भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन
को इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं जितने कि सीनेट को है। कानून में निर्माण के क्षेत्र में सीनेट प्रतिनिधि सभा के समकक्ष है और ये बात नहीं केवल साधारण विधेयक वरन वित्तीय विधेयक के संबंध में भी सत्य हैं। सीनेट को नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों की पुष्टि की दो ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिसके आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदारी बन गई है। नियुक्तियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करती है। संधियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट द्वारा वैदेशिक संबंधों के संचालन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सीनेट की इस कार्यपालिका शक्ति के कारण उसके सम्मान में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मंत्रिमंडल पद्धति का अभाव। अमेरिका में ब्रिटेन की भांति मंत्रिमंडलात्मक पद्धति होती तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट के पारस्परिक संबंधों की स्थिति दूसरी हो सकती थी। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था होने पर अमेरिकन कार्यपालिका राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन अथवा प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता और केवल इसी तथ्य के कारण प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त कर लेती। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं और प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा और भारत की राज्यसभा तथा फ्रांस की सीनेट को प्रथम सदन की तुलना में कम महत्व प्राप्त होने का एक प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में द्वितीय सदन के सदस्यों का या तो मनोनयन होता है अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, और ये पद्धति लोकतंत्र की भावनाओं के प्रतिकूल है। मूल अमेरिकन संविधान में सीनेट सदस्यों के भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1918 में संविधान में 17वें संशोधन के द्वारा सीनेट सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। सीनेट सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण विश्व के अन्य देशों में जिन तत्वों के आधार पर सीनेट सदन का अपेक्षाकृत कम महत्व होता है, ये बात अमेरिकन राजनीति में नहीं सीनेट के लोकतांत्रिक आधार ने उसे प्रजातंत्र का प्रतीक बना दिया है। सीनेट का स्वामित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घकाल। सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसकी जो सीनेट का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं वो एक बार निर्वाचित होने के लगभग तुरंत बाद ही पुनः निर्वाचन की चिंता में लग जाते हैं। वहीं सीनेट के सदस्य एक बार निर्वाचित होने के बाद लगभग 5 वर्ष तक स्वतंत्र और निर्भय होकर राष्ट्र की सेवा करते हैं और कभी कभी 30 वर्ष से भी अधिक समय तक इसके सदस्य रहते हैं। अपने इस दीर्घ अनुभव के आधार पर सीनेटर और सीनेट अमेरिकन राजनीति में अपना विशिष्ट महत्व बना लेते हैं। सीनेट का लहू आकार। सीनेट के लहू आकार के कारण भी इसकी महत्ता और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है जबकि प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं। छोटे आकार के कारण इसके सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता रहती है और वे स्वतंत्रतापूर्ण वाद विवाद कर पाते हैं। सीनेट का आकार इतना अवश्य है कि इसमें विचारों की विभिन्नता रहती है, पर वह इतना अधिक नहीं जिससे कि विधायी विचार विमर्शों और कार्रवाई में सजीवता न रह सके। सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर एकता। वैसे तो स्वाभाविक रूप से सभी संस्थाओं के सदस्य अपनी संस्था के प्रति सम्मान रखते हैं और उनमें परस्पर एकता की भावना होती है, लेकिन सीनेट के सदस्य अपनी संस्था के प्रति जितना सम्मान का भाव रखते हैं और जिसमें परस्पर एकता होती है उतना अन्य कहीं नहीं। सीनेट के सदस्यों में एकता को दृष्टि में रखते हुए सीनेट सदस्य औसत प्रतिनिधित्व की अपेक्षा भिन्न प्रकार के राजनीतिक प्राणी होते हैं। वे सीनेट के अंदर एक दूसरे पर कटु आपेक्ष कर सकते हैं, परंतु कुछ देर बाद देखते हैं कि बाहर वे हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं।
जब किसी राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट के प्रति शिष्टाचार या सीनेट की अन्य किसी सुनिश्चित परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है, तो सीनेट के सदस्य अपने राजनीतिक दल के प्रति भक्ति को भूलकर सीनेट के सम्मान की रक्षा हेतु एक हो जाते हैं। सीनेट की कार्यप्रणाली। सीनेट की कार्यप्रणाली भी उसकी महत्ता का स्रोत है। सीनेट की कार्यप्रणाली ऐसी है कि इसके सदस्यों को बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता। परिणाम स्वरूप ये विषय पर विचार अधिक पूर्णता के साथ होता है और निश्चित पर पहुंचने से पूर्व उससे सभी पहलुओं पर पूर्णता के साथ विचार कर लिया जाता है। अच्छी तरह विचार करने के बाद किए गए निर्णय देश के लिए अधिक लाभकारी होते हैं। इससे सीनेट के महत्व में वृद्धि हुई। सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता। संस्था की महत्ता उसके सदस्यों पर निर्भर करती है और सीनेट को इतनी अधिक महत्ता प्राप्त होने का अंतिम किंतु एक महत्वपूर्ण कारण प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट सदस्यों का गुणात्मक श्रेष्ठता। सीनेट कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति की सहभागी है, इस कारण शासन तंत्र में उसका स्थान बड़े महत्व का हो गया है। परिणाम स्वरूप है राजनीतिक नेता जो अपने को देश के राजनीतिक जीवन में अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अधिक सीनेट की ओर आकर्षित होते हैं। सीनेट की इस शक्ति पर जब योग्य हाथों में रहती है तो उसका उपयोग अच्छा होता है। इस प्रकार जब सीनेट लोगों की अच्छी सेवा करती है तो सीनेट के सम्मान और उसकी महत्ता में वृद्धि होती है। गवर्नर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने के लिए सीनेट ही सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। प्रतिनिधि सभा में जो कुछ होता है उसकी ओर समाचार पत्रों का ध्यान नहीं जाता, परंतु सीनेट सदस्यों के वक्तव्य समाचार पत्रों में शीर्ष स्थान पाते हैं। आज हमने सीनेट की जो शक्तियां हैं उन पर चर्चा करी, सीनेट के कार्यों की आलोचना और सीनेट जो है उसकी महत्ता या उसकी शक्ति में वृद्धि के क्या कारण हैं इनके बारे में चर्चा करी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।